दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि चालू पंखे पर कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब पंखा चल रहा होता है तब उन्हें कुछ लिखा हुआ नहीं दिखाई देता, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं। शुरुआती में ये असंभव लगता था कि चालू पंखे पर कभी पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन इनके पर प्रयोग करने के बाद ये संभव हुआ। तो चलिए हम आगे देखते हैं। लेकिन इससे पहले, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए हमारा उत्साह और बढ़े। सबसे पहले हमें फॉर्म शीट का एक टुकड़ा लेना होगा, जिसे रेक्टेंगल शेप में काटना होगा और बीच में एक छोटा सा छेद करना होगा। उसके बाद टुकड़े को पकड़ के जल्दी से ऊपर नीचे करते हुए छेद वाले हिस्से में देखें, जिससे कोई भी घूमती हुई चीज़ पे लिखा हुआ क्या है वो हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ इस तरह पंखे पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं गणेश लिखता हूँ। तो चलिए आगे हम ये प्रैक्टिकली देखते हैं। तो दोस्तों, हम इस तरह से चालू पंखे पर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और शब्बा खैर।